फिर से तैयार है झांसी की रानी गार्डन। शेट्टी ने कहा इसके लिए हम जेल जाने को भी तैयार। पहले झांसी की रानी गार्डन एक सुंदर गार्डन था जिसे देखने के लिए लोग आते थे और लोग सुबह उधर मॉर्निंग वॉक भी करते थे। उसी गार्डन पर जिस झांसी की रानी गार्डन पर हाईकोर्ट के आदेश पर जिला अधिकारी ने बुलडोजर चलाकर खड्डा कर दिया था, वही झांसी की रानी पार्क एक बार फिर बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन जोर शोर में किया गया। इस मुंबई शहर डीपी पर चलता है, रेवेन्यू पर नहीं। नए डीपी में अभी तालाब है, ऐसा गोपाल शेट्टी का कहना है। इस संबंध में सांसद गोपाल शेट्टी ने आगे कहा कि ये पार्क जनता के लिए बनाया गया है, अगर जनता के लिए जेल जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। हमने तो जो भी काम किया है कानून के दायरे में रहकर किया है।
ऑडियो देखिए, ये तो होना ही था। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, मैंने 15 साल कॉरपोरेशन में काम किया, मैं 10 साल विधानसभा में काम किया, मैं 4.5 साल अब पूरे हो गए, 5वें साल पे लोकसभा का मैं काम कर रहा हूँ। 27 साल का जनप्रतिनिधित्व का मेरा एक अनुभव है और पहले दिन से मैं ग्रास रूट का कार्य करता हूँ। मैं विषय को समझता हूँ, मैं कायदा कानून सीखा हूँ और उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा था, अभी छोटे बात में मैं आपके दिमाग में डालना चाहूँगा, आपके टीवी के माध्यम से मुंबई शहर के लोग सुने इस बात को। 2034 का डीपी हमने फाइनल किया। ये 2034 का डीपी फाइनल करने के लिए कितने दिन लग गए, कितने साल लग गए, ऑब्जेक्शन सजेशन ये सारा दुनिया भर का करने के बाद में वो डीपी अभी हमने मंजूरी किया। अब जो डेवलपमेंट प्लान हमने मान्य किया उसके हिसाब से मुंबई शहर में काम करेगा, चलेगा, और कोई कोर्ट में जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये तोड़ो वो फोड़ो। अरे, इलेक्टेड डेमोक्रेसी में, लोकशाही में जो कायदा बनता है विधानसभा में, जो कायदा लोकसभा में बनता है, उसको अगर कोई नहीं मानेगा तो कैसे चलेगा? ये तो मजाक है इस देश में इस बात का। इसलिए मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि डीपी प्लान से चल रहा है। खजूरे तालाब का गया, उस मेरे समय पर कॉरपोरेशन ने मुझे मदद नहीं किया, माड़ा ने भी मुझे मदद नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी मुझे मदद नहीं किया। लेकिन अभी कॉरपोरेशन का जब 6 करोड़ रुपया खर्चा हुआ तो हाई कोर्ट ने बोला इसको भी तालाब बनाओ, तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने परसों स्टे कर दिया उस आदेश को। क्योंकि मुंबई शहर, नॉट ओनली मुंबई शहर, जितने भी शहर अपने देश में है जहाँ पर नगर पालिका महानगर पालिका है, वहाँ पर डेवलपमेंट प्लान होता है और डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से कामकाज किया जाता है, बिल्डिंग प्लान मंजूर किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो छोटा खड्डा अभी बनाया है कलेक्टर के लोगों ने, वो भी हम आने वाले दिनों में रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोर्ट के पास से फिर एक बार मंजूरी पाने के बाद में उसको भी मैं बनाऊंगा। मैं जो शिकायत करता है आज उसका बयान है, वो कहे कोर्ट में जाए और मुझे जाले जेल में, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो जाए कोर्ट में, मैं गलत कर रहा हूँ ना, जाए वो कोर्ट में, मैं उनका स्वागत करूँगा। क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैंने संविधान का कसम खाया है पार्लियामेंट में जाने के बाद में, और जो कसम मैंने खाया वो मुझे ये इजाज़त देता है कि तुम गलत करो भी मत और गलत होता उसको देखो भी मत। मैंने संविधान का कसम खाया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसका मैंने कसम खाया है, तो मैं गलत होने भी नहीं दूंगा।
बाधाएं आएगी, मुसीबत आएगी, परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो क्षमता मुझे बोरेली और उत्तर मुंबई के मतदाताओं ने दिया है। मैं लड़ूंगा, लास्ट आखिरी दम तक लड़ूंगा, गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन अपने भाषण में आपने आज भी दादागिरी की तरह, ये मैंने कह रहा हूँ, ये संविधान कह रहा है, ये 2034 का जो डीपी पास हुआ है वो कह रहा है, संविधान कह रहा है, और मैं संविधान का रक्षक हूँ। मुझे जनता ने चुन कर दिया है, जो संविधान में है, जो न्याय है, जो डीसी रूल में है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा करके। सर एक मिनट।